जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, हमने पार्ट वन में MT5 के हवाले से पढ़ा था कि कम्प्लीटली किस तरह वहाँ पे आप जो है ना मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया था। आज सिर्फ मैं जस्ट आपको पार्ट टू में इतना बताऊँगा कि आपने कोई अकाउंट लॉगिन करना है डेमो या रियल, तो आपने कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको ऊपर कॉर्नर पे प्लस का निशान दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर आप ओपन डेमो अकाउंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कोई भी डेमो ब्रोकर मतलब ब्रोकर सर्च करके उसका भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पे अपना लॉगिन एंड पासवर्ड डेमो का देना होगा। और ट्रायल कौन से है वो आपने सर्वर जो है वो आपने देखना होगा। यहाँ से अगर आप इसका ही डेमो यूज़ करना चाह रहे हैं MT4 का, ठीक है, मेटा कोड्स का, तो यहाँ पे आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना मतलब आप डाल सकते हैं इसकी सारी चीज़ें जो डिटेल है ईमेल डाल के। उसके बाद यहाँ पे आप प्रैक्टिस के लिए लीवरेज कोशिश करें जितना कम रख लें, ठीक है, 1:10 रख लें या 1:50 इसको रख लें, 50 का भी रख सकते हैं आप, ठीक है। और जो जितना कम से कम रखेंगे आपको इतना फ़ायदा होगा कि आपने किस तरह ट्रेड को करना है। और ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि लीवरेज कम और ज़्यादा रखने में क्या नुकसान और फ़ायदे भी हैं। और इसके अलावा डिपॉजिट अपना आप बहुत कम रखें, ठीक है, यहाँ पे डेमोज के लिए। उसके बाद आप क्रिएट टू अकाउंट कर लें, ठीक है, ये आप डन करेंगे आपका ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर रियल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लिखते हैं एक्सनेस लिखते हैं फ़र्ज़ करें, तो यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करने पर पड़ेगा, आपको ये चीज़ें बाद का ब्रोकर वन टाइम आपको इशू आ रहा होता है, आपने VPN ओपन करना होता है, और VPN का ओपन करने से ये आ जाता है। मैं VPN ओपन करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैंने VPN ओपन कर लिया है, यहाँ पे आप XNS लिखेंगे, देखें XNS के यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अभी आप इसको मतलब कोई वो जो भी XNS का आपका ब्रोकर है आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब डेमो है तो ट्रायल को कनेक्ट करें, कौन सा ट्रायल है, रियल है तो सर्वर कौन सा है, 21 20 वाला है, 12 कौन सा है, तो वो यहाँ पे करके लॉग इन एंड पासवर्ड डाल के तो यहाँ पर साइन इन करेंगे तो साइन इन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और ब्रोकर आप सर्च करें जैसे MBFX है, तो इसका क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पे MBFX, हाँ MBFX है खाली MT5 पे अलाउ, MT4 ही है, मैंने MT4 ओपन किया हुआ है तो यहाँ पे शायद वो नहीं, उसका सर नहीं आ रहा, ये मेरा 5 भी ओपन होगा, इसको वहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा XM का अगर आप डालते हैं XM ग्लोबल, ठीक है, तो XM ग्लोबल के यहाँ पे देखें ये आ गए, ठीक है जी। इस तरह आप अपने जो है ना ब्रोकर को ऐड करके तो MT4 या 5 में लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं ओपन हो रहा तो एक फर्स्ट आपने VPN लगाना है ओपन करके, उसके बाद आपको VPN की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका लॉगिन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देख के तो काफ़ी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।